हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गर्मियों के दिन में रिफ्रेशिंग ड्रिंक हमें बहुत पसंद आता है, जैसे कि सिकंजी, कोल्ड कॉफ़ी, लेमन सोडा। इसलिए मैं आज 6 तरह के रिफ्रेशिंग ड्रिंक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार है। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। मसाला छाछ बनाने के लिए हम ग्राइंडर जार में 2 स्पून कर्ड यूज़ करेंगे। छाछ की कंसिस्टेंसी पतली होती है, इसलिए हम 2 स्पून कर्ड ही एनफ है। इसमें हम भुना जीरा पाउडर डालेंगे, 1 इंच अदरक कट करके रखा है मैंने वो डालेंगे, मिर्च कट करके रखा है वो हम ऐड करेंगे उसमें, टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड करेंगे, 3-4 हम मिंट लीव्स ऐड करेंगे इसमें, और हम इसमें पानी ऐड करके हम इसको मिक्स कर लेंगे थोड़ी देर। मसाला छाछ बन गया है, अब हम इसको सर्विंग ग्लास में सर्व कर लेंगे। साथ में हम थोड़ा सा और इसमें वाटर ऐड कर लेंगे। ये हमारा मसाला छाछ बनकर तैयार हो गया, इसको हम एक सर्विंग ग्लास में सर्व कर लेंगे। ऊपर से हम थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर स्प्रिंकल कर लेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, आप गर्मियों में खाना खाने के बाद आप 1 ग्लास छाछ जरूर पिए। इससे हमारा खाना भी जल्दी हजम हो जाता है और हमारे पेट को भी ठंडक पहुँचता है। ये मज़ेदार रेसिपी आप एक बार घर पर जरूर ट्राई करें। गर्मी के मौसम में ठंडी ठंडी लस्सी बहुत अच्छी लगती है, तो लस्सी बनाने के लिए हम 1 मेजरमेंट कप का 1 कप दही ऐड कर लेंगे। 3 बड़े चम्मच हम यहाँ पर शुगर ऐड करेंगे। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप उसमें 4 चम्मच शुगर ऐड करें। 1/2 छोटे चम्मच हम भुना जीरा पाउडर ऐड करेंगे। अब हम इसमें ठंडा पानी ऐड कर लेंगे और इसको हम थोड़ी देर के लिए ब्लेंड कर लेंगे। लस्सी बनकर तैयार हो गया, अब हम इसको सर्विंग ग्लास में सर्व कर लेंगे। ठंडा पानी यूज़ किया मैंने लस्सी में, इसलिए मैं 1 आइस क्यूब इसमें ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर प्लेन लस्सी बनाया, इसमें मैं ऊपर से बादाम से गार्निश कर रही हूँ। आप चाहे तो इसके ऊपर गुलाब की पंखुड़ियों से भी गार्निश कर सकते हैं, जो इजीली मार्केट में मिलता है, बट मैं यहाँ पर बादाम से गार्निश कर रही हूँ। ये ठंडी ठंडी मज़ेदार लस्सी बनकर तैयार है। गर्मियों में इस मज़ेदार रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। मिंट लेमन सोडा बनाने के लिए यहाँ पर हम डायरेक्ट ग्लास में ही पीसी हुई चीनी ऐड कर लेंगे। 3 चम्मच पीसी हुई चीनी डाल रही हूँ मैं इसमें। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप 4 चम्मच ऐड कर लें। 1/2 स्पून हम नॉर्मल सॉल्ट ऐड कर लेंगे। 1 लेमन स्लाइस कट करके हम इसमें ऐड कर लेंगे। 3 से 4 मिंट लीफ हम यहाँ पर तोड़कर डाल लें या क्रश करके डाल लें, इसको हम पीसेंगे नहीं, मैं यहाँ पर तोड़कर डाल रही हूँ। और अब हम इसमें सोडा ऐड कर लेंगे। ₹80% सोडा के साथ अब थोड़ा सा वाटर ऐड करें। और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि हमने जो जो इंग्रेडिएंट इसमें ऐड किया है, लेमन, मिंट लीव्स, सब अच्छे से घुल जाए इसके साथ। मिंट लेमन सोडा बनकर तैयार है। गर्मियों में ठंडा ठंडा पीने में इसे बहुत मज़ा आता है। इस गर्मी में आप ये मिंट लेमन सोडा एक बार ज़रूर ट्राई करें। सिकंजी बनाने के लिए ब्लेंडर में हम 3 बड़े चम्मच शुगर ऐड करेंगे। दो बड़े चम्मच लेमन जूस ऐड करेंगे, यानी कि 1/2 लेमन को मैंने क्वीज करके रखा है। 2 इंच हम अदरक का टुकड़ा ऐड कर लेंगे। 3 से 4 मिंट लीफ ऐड कर लेंगे। 1 छोटे चम्मच जलजीरा पाउडर ऐड कर लेंगे। 1/2 चम्मच भुना जीरा पाउडर ऐड करेंगे।
थोड़ा सा हम काला नमक ऐड करेंगे और हम ठंडा पानी डालकर थोड़ी देर के लिए इसको मिक्स कर लेंगे। ठंडी ठंडी सिकंजी बन गया है, इसको हम सर्विंग ग्लास में सर्व कर लेंगे। ये पानी से बनाया है मैंने, फिर भी आप चाहे तो इसमें एक आइस क्यूब ऐड कर लें, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। गर्मियों में सिकंजी इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है और इसकी रेसिपी भी बहुत ईजी है और ये हेल्दी ड्रिंक भी है। हेल्दी मतलब शुगर आप ना ऐड करें तो ये बिल्कुल ही हेल्दी है। तो इस गर्मियों में आप इस तरह से सिकंजी बनाकर अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें। अब नेक्स्ट हम गुड़ की शरबत बनाएंगे। गुड़ की शरबत बनाने के लिए हम डायरेक्टली ब्लेंडर में 4 चम्मच गुड़ का पाउडर ऐड कर लेंगे। अगर आपके पास गुड़ का पाउडर नहीं है तो आप गुड़ को काट करके भी यूज़ कर सकते हैं। 2 बड़े चम्मच हम लेमन जूस ऐड करेंगे, यानी हाफ लेमन को मैंने क्वीज करके रखा है उसको ऐड कर लेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें काला नमक यूज़ करेंगे। 1 चम्मच हम चाट मसाला ऐड करेंगे और हम इसमें कुछ भी नहीं ऐड करेंगे और ठंडा पानी डालकर इसको थोड़ी देर के लिए विस्क कर लेंगे। गुड़ का शरबत बन गया है, हम इसे सर्विंग ग्लास में सर्व कर लेंगे। ये बन गया है, इसके ऊपर इसको मैंने ठंडा पानी से ही बनाया है, आप चाहे तो इसमें एक आइस क्यूब ऐड कर सकते हैं और हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। ये पीने में बहुत ही अच्छा लगता है। हमारे यहाँ गाँव में आप जब भी गर्मी में जाएँ तो आपको गुड़ की शरबत ज़रूर सर्व करेंगे लोग, इसका टेस्ट गन्ने के जूस जैसा लगता है। अब हम बनाएंगे मज़ेदार कैफे स्टाइल कोल्ड कॉफ़ी। कोल्ड कॉफ़ी बनाने के लिए हम ब्लेंडर में ठंडा दूध ऐड करेंगे। इसको मैंने उबाल करके फिर से ठंडा करके रखा हुआ है, इसको हम यूज़ कर रहे हैं। मीडियम स्पून के 1 स्पून हम इसमें इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर ऐड कर लेंगे। चार बड़े चम्मच हम यहाँ पर शुगर ऐड करेंगे। अगर आप मीठा कम पसंद करते हैं तो आप 3 स्पून ऐड करें। टू स्कूप हम यहाँ पर वेनिला आइसक्रीम ऐड करेंगे। इससे क्या होगा, कॉफ़ी की कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक हो जाएगी। 2-3 स्पून हम वेनिला आइसक्रीम यूज़ कर रहे हैं। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए विस्क कर लेंगे। दूध हम यहाँ पर ठंडा यूज़ कर रहे हैं, फिर भी मैं एक आइस क्यूब भी इसमें ऐड कर रही हूँ। कॉफ़ी को सर्व करने के पहले हम सर्विंग ग्लास को चॉकलेट सिरप से थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे। अब ये कोल्ड कॉफ़ी हम इसमें ऐड कर लेंगे। कोल्ड कॉफ़ी को आप जब भी ब्लेंड करें उसमें एक आइस क्यूब ज़रूर ऐड करें। इससे क्या होता है, थोड़ी सी इसकी कंसिस्टेंसी थिक सी लगती है। ऊपर हम 2 स्कूप वेनिला आइसक्रीम ऐड करके सर्व करेंगे। इसके ऊपर से हम थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर स्प्रिंकल कर लेंगे। ये कैफे स्टाइल अमेजिंग कोल्ड कॉफ़ी बनकर तैयार है। इसकी रेसिपी बहुत ही इजी है। इस तरह से कोल्ड कॉफ़ी बनाकर आप खुद भी पिए और बच्चों को भी दें, यह सबके पसंदीदा कोल्ड कॉफ़ी बनकर तैयार है।